Thank you. Firstly, I wish of you all our respected admin staff members and teaching staff happy Republic Day. As we are celebrating here Republic Day, and we know very well that how we celebrate, why we celebrate. We know well that our constitution has came into force in 1950, and we are celebrating here. But what is constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला जो हमें डेली रूटीन में फॉर द स्टूडेंट्स फॉर आवर फैमिली क्या कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज है वो जो हमें मिली है रियल में जो हमें स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट्स फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. आर्टिकल 32 gives us the fundamental rights. We are aware about the fundamental rights. We know very well what is fundamental rights. But when we talk about the fundamental duties, Article 51A gives us the fundamental duties. And what is our fundamental duties? First one, about our national flag. National flag, in which there are three colors, and message of three colors are sacrifice, truth, peace and growth. So firstly, students ko hum sacrifice ke bare mein bataye, jo freedom fighters the unhone sacrifice kiya, jiski wajah se hum independent day celebrate karte hain. After that hum republic day celebrate karte hain. I think there is a big difference between the Independence Day and Republic Day. Flag hoisting, दोनों में भी difference है flag hoisting. How many members knows that about the flag hoisting? What is the difference between flag hoisting on Independence Day and Republic Day? Independence Day पर क्योंकि flag British रूल थे, ब्रिटिश का लगा हुआ था फ्लैग, तो उसे नीचे उतारा गया, फिर नीचे से हमें ऊपर चढ़ाया गया फ्लैग. उस वजह से फ्लैग होस्टिंग प्रॉपरली 15 अगस्त पर होती है. आज अनफर्लिंग टाइट कर देते हैं फ्लैग को ऊपर और रस्सी खींच देते हैं तो ऊपर टाइट रहता है फ्लैग, जरूरत नहीं होती नीचे से ऊपर चढ़ाने की, क्योंकि उस टाइम पर हम फ्रीडम ले हमारे हम फ्री हो चुके थे. हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर था. इस वजह से रिपब्लिक डे पर फ्लैग होस्टिंग अलग तरीके से होती है. और 15 अगस्त में क्योंकि ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश अंग्रेजों का झंडा नीचे उतारा गया था, अपना झंडा चढ़ाया गया था, इस वजह देयर इज अ बिग डिफरेंस. तो वी शुड टेल अवर स्टूडेंट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त फ्लैग होस्टिंग एंड रिपब्लिक डे एंड अबाउट द सैक्रिफाइस. फ्रीडम फाइटर्स फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. आज जम्मू कश्मीर हो या कहीं देश में कहीं भी हो, हम न्यूज सुनते हैं कि हमारे चार जवान शहीद हो गए और वो एक नेचुरल सी हमें सबको आम बात लगने लगी है कि चार जवान शहीद हो गए, वहां आठ हो गए, वहां दो हो गए. बट जिस फैमिली से ये ट्रेजेडी होती है, जहां पर ये होता है, उस फैमिली की क्या सिचुएशन होती है, और वही अब कोरोना काल में पेंडेमिक रहा है, कोरोना वही जिस फैमिली में भी हुई है वो सारी अभी, जिस वजह से हमें न्यू मेंबर्स का भी यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं. और सुनीता जी ने भी, सर ने भी, डॉक्टर साहब ने भी और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है. और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से तो मैं सुनीता जी का ये सोचता हूँ, जब फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैं बैठा सीट पर, किस स्टाफ से पूछा जा रहा है कि आपकी आपके क्या प्रॉब्लम, फातिमा मैम ने बताया मेरी मदर की ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखा कि एक मैनेजर की पोस्ट पर एक फैमिली मेंबर की तरह से स्टाफ मेंबर से ऐसे बात की जा रही है कि उनकी प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है. तो हमारे भी जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि
कि जो हम एजुकेशन में अपने स्टूडेंट्स को दे पाए, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं स्टूडेंट को बताई जाए, नेशनल फ्लैग हो चाहे हमारे या स्कूल का एटमोस्फेयर हो, डिसिप्लिन है, उनकी एजुकेशन है, कहीं पर भी हमें अपनी तरफ से जब हमें इतना अच्छा मैनेजिंग स्टाफ मिला हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है हम स्टूडेंट्स को वो सब दें जो हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज है, हम उनमें मॉरल वैल्यूज डेवलप करें स्टूडेंट्स को, जिससे वो आज सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग ना बैठे। आप सभी देखते होंगे मोस्टली किसी भी फैमिली में चले जाइए, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है आजकल वो अपने मोबाइल के इर्द गिर्द ही रहता है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल बात नहीं करता, मोस्टली ऐसा है। कहीं पर और चाहे चार बच्चे कहीं पर बैठे हैं, किसी मैरिज में गए हैं, तो वो किसी बड़े का अनुभव शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल के अपने आइडियल अपने बनाते हैं, जो सुपरस्टार हमारे एक्टर है एक्टर से अपने आइडियल बनाते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर से अपने गार्जियन से कहीं भी अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर नहीं करते, गूगल के साथ शेयर करते हैं, वहीं से अपने नॉलेज लेना चाहते हैं। तो हमें मोरल वैल्यूज स्टूडेंट्स में डेवलप करनी चाहिए, जिससे वो अपने गार्जियन के अपने पेरेंट्स के साथ में रहे, उनसे जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो उनसे एक्सपीरियंस ले। सब्जेक्टिव जो नॉलेज है एक कम एज में और एक ज्यादा एज में टीचर्स में, सपोज क्या कम एज का टीचर है लेकिन एक्सपीरियंस उसका सब्जेक्ट का ज्यादा हो सकता है, वो अच्छा टीचर पढ़ा सकता है, मेरे से कम उम्र के चाहे यहाँ पर टीचर्स बैठे हो सकता है मेरे से अच्छा पढ़ा सके, बट अनुभव जो है एक्सपीरियंस जो है वो एज के साथ साथ आता है। जो एज में हमारे से टीचर बड़ी बैठी है यहाँ पर हमारे मैनेजिंग स्टाफ बैठा हुआ है, जो अनुभव हमें उनसे मिल सकता है शायद अपने कम उम्र के किसी व्यक्ति से ना मिल पाए, इसलिए एक्सपीरियंस के लिए तो हमें बड़ी एज के पास जाना ही पड़ेगा। इस वजह से भी स्टूडेंट को ये मोटिवेट करना चाहिए कि आपको बेटा आपको अपने पेरेंट्स से ही जो शेयर जो मिल सकता है आपका एक्सपीरियंस वो किसी और से नहीं मिलेगा, तो आप बड़ों के पास बैठना सीखिए, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करना। हमें लगता है जब बड़े होते हैं हम, जैसे जैसे आप सब जो मैरिड हैं जब बच्चे हो जाते हैं तब सारी बात ऐसी सही लगने लगती है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे वो लगने लगता है कि वो बातें सारी झूठ थे, वो सारे बात सही थी। तो हमें वो शेयर है बच्चों को उस मोबाइल की दुनिया से भी बाहर, बेसिक नीड है मोबाइल की, हमें स्कूल वालों ने ही लगाया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, बट क्या करें ऐसा कोरोना पैंडेमिक सब है इस तरह का करना पड़े, बट ये भी चीज उनसे शेयर करें कि जो आपको बिहेवियर है जो मॉरल वैल्यूज हैं वो आपको अपने परिवार से ही या किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठने से ही आएंगे, तो अच्छे शेयर उनसे ही आ सकते हैं, अच्छे अनुभव उन्हीं के पास से आ सकते हैं। तो एजुकेशन में उधर का स्टाफ हो चाहे इधर का स्टाफ हो, प्राइमरी जूनियर पीजीटी टीजीटी ये अपने सोचने वाली बात होती है कि जो जूनियर टीचर है मैं उससे बात नहीं करूंगा, हो सकता है उसके पास का ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हमें हमारे पास ना हो, तो ये नहीं होता कि वो उधर का स्टाफ आ गया मैं तो जा दूं। आप सभी जैसे आज एटमोसफेयर बनाए सभी स्टाफ मेंबर्स उधर के और इधर के मिलकर काम करें, और जो मेन मोटिव है एजुकेशन का, कंप्यूटर बराबर में स्कूल बैठा है, कंप्यूटर और भी स्कूल्स हैं, बट जो मेन मोटिव है वो हम अचीव करें और स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन दें जो एरिया में किसी और कोई और स्कूल ना देता हो। दैट्स दो चार लाइंस हैं एक सॉन्ग की, मैं गाना चाहूंगा उस सॉन्ग को यहाँ पर मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा सिंह बजाता।
रहे हैं। Once again, thank you so much.